हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज हम अपने फ़ोन में काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि मैं आपको बता दूं कि जिसको नहीं पता है वो कि हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे हैकिंग होती है, वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों ने बनाया है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों, उसको हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं अपने फ़ोन में, और ये विदाउट रूट होने वाला है। मतलब अगर हम अपने फ़ोन को रूट करते हैं तो उसमें सब कुछ एक्सेस छूट जाती है, और जो हम फ़ोन खरीदते हैं नया तो उसका लाइसेंस वाइसेंस फिर कुछ भी नहीं रहता, तो उसकी वारंटी भी चली जाती है। तो हम इसके लिए अपने फ़ोन को रूट नहीं करने वाले हैं, विदाउट रूट परमिशन के हम काली लिनक्स अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद आपको एफड्रॉइड नाम का एक ऐप सर्च करना है। एफड्रॉइड नाम का एक ऐप सर्च करने के बाद उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद फिर उसमें आपको सर्च करना है टर्मक। टर्मक सर्च करने के बाद उसको आपको डाउनलोड कर लेना है एफड्रॉइड में से, और फिर उसको डाउनलोड करने के बाद उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको टर्मक्स नाम का वो ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको उसमें पीकेजी अपग्रेड लिखना है या फिर पीकेजी अपडेट लिखना है। ये लिखने के बाद आपका जो टर्मक्स है वो अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपको पीकेजी इंस्टॉल किट लिखना है। इससे क्या होता है, जब आप कुछ भी गिटहब से डाउनलोड करते हो तो इसमें आकर आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपकी जो लाइब्रेरी रहेगी, पाइथन से चलने वाली लाइब्रेरी रहेगी, तो आप इसमें जाकर डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको लिखना है पीकेजी इंस्टॉल पाइथन 3। पाइथन 3 होने के बाद आपका जो पाइथन की फाइल है, लाइब्रेरी है, वो सब इसमें डाउनलोड हो जाएगी, और फिर आप इसकी मदद से पाइथन इसमें ही एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं रहेगी तो आप हैकिंग भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पाइथन इंस्टॉल होने के बाद आपको इसमें लिखना है टर्मक्स सेटअप स्टोरेज। और टर्मक्स सेटअप स्टोरेज लिखने के बाद इसमें आपको परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन अलाउ कर देनी है। परमिशन अलाउ करने के बाद आपको इसको यस करना है। दोस्तों, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है डब्ल्यू गेट। मतलब आप जब लिखोगे पीकेजी इंस्टॉल डब्ल्यू गेट तो ये इंस्टॉल हो जाए। तो उसके बाद आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस पर आपको क्लिक करने के बाद काली नेट हंटर की आप एक वेबसाइट पर चले जाओगे जो काली लिनक्स वालों ने बनाई है। तो उस लिंक पर जाने के बाद आपको काली लिनक्स की एक वेबसाइट मिलेगी, उसमें नीचे कुछ कमांड रहेगी, आपको एक एक कॉपी करनी है और इसमें पेस्ट कर देनी है। एक एक करके ये इंस्टॉल करना है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अभी ये पेस्ट किया है डब्ल्यू गेट इंस्टॉल नेट हंटर। तो दोस्तों, आप ये नेट हंटर इंस्टॉल करने का तरीका है, आप इधर से नेट हंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि कुछ आपको 8 GB का स्टोरेज खाली रखना पड़ेगा। इसके लिए मिनिमम 8 GB तो होना ही चाहिए। दोस्तों, अगर इससे कम रहा तो आपका ये नेट हंटर स्टोरेज नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट होता है और फाइल बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, आपके पास इतना स्टोरेज होना ही चाहिए। तीसरा जो कमांड है वो डब्ल्यू गेट जीरो इंस्टॉल ये करके कुछ है, तो आपको तीसरा कमांड लगाना है नेट हंटर। फिर दोस्तों, आपका जो नेट हंटर है वो इंस्टॉल होने लग जाएगा। ये फिर डाउनलोड रूट ऐप लिखा आएगा, मतलब ये रूट के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आपको वेट करना है जब तक ये डाउनलोड नहीं हो जाता। डाउनलोड होने के बाद ये आधा घंटा लेगा अपना डाउनलोड होने में, अगर आपका इंटरनेट स्पीड बहुत फास्ट है, वरना 1 घंटा भी हो सकता है, क्योंकि ये सर्वर पर डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में डाउनलोड होएगा। कभी कभी ये जल्दी भी हो जाता है, कभी कभी घंटे भी लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करता है, आपके इंटरनेट पे। तो दोस्तों, ये डाउनलोड होने के बाद आपको क्रोम में जाना है। काली लिनक्स को डाउनलोड करने के बाद आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद आपको सर्च करना है नेट हंटर कैक। हंटर कैक सर्च करने के बाद आपको एक वेबसाइट मिलेगी काली लिनक्स की, उधर से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। इसको नेट हंटर कैक्स को डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको इसको परमिशन सब अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद आपको फिर से टर्मक्स में जाना है। टर्मक्स में जाने के बाद आपको लिखना है नेट हंटर कैक्स पासवर्ड। नेट हंटर कैक्स पासवर्ड लिखने के बाद आपको ये कुछ करने के लिए बोलेगा, तो आपको इसमें पासवर्ड जनरेट करना है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया है। तो दोस्तों, आपको इसमें पूरा जो पासवर्ड है वो देना है। और फिर दोस्तों, पासवर्ड देने के बाद आपको इसमें नीचे कुछ पोर्ट लिखा आएगा, तो आपको 4 नंबर का पोर्ट नंबर जो है उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको काली नेट हंटर कैक्स एप्लीकेशन में जाना है। काली नेट हंटर एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको ये पोर्ट नंबर, ये लोकल होस्ट 1 लिखा है, उधर आपको ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप इसको डायरेक्ट रन कर सकते हो कनेक्ट पर क्लिक कर, और फिर आप देख सकते हो कि आपका जो काली लिनक्स है वो डाउनलोड हो गया है, और फिर आप इधर से कुछ भी कर सकते हो। तो मैं कुछ ये तो नहीं बताने वाला कि आप कैसे कुछ हैक कर सकते हो, क्योंकि जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो आ जाएगी। तो दोस्तों, आप ये खुद सीख सकते हो, आपके पास इंटरनेट है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट भी बता दूंगा जिसका नाम है नल वंडर वाइट। उस पर से जाकर आप कुछ भी सीख सकते हो, कैसे हम एंड्रॉइड सिस्टम को कैसे हैक कर सकते हैं, या फिर वाईफाई को कैसे हैक कर सकते हैं। तो और दोस्तों, अभी जैसे आप ये फनी के लिए देख भी सकते हैं, जैसे मैंने अभी टीबोम नाम का ये एक गिट डाउनलोड किया है, जिस पर से आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, कितनी भी बार कॉल कर सकते हो, और मैसेज वैसेज भेज सकते हो एक कमांड की मदद से। कुछ फनी के लिए था, और अभी ऐसे ही कुछ और कमांड है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि ट्रेन चल रही है और
सी मैट्रिक्स इंस्टॉल करने के बाद आप सी मैट्रिक्स भी मतलब जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर कैसे चल रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।